आज के जमाने में कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स जैसी है, इट वाज वेरी फन टू वॉच। मुझे रोहित सर आपका डांस बहुत अच्छा लगा। ये मूवी बहुत जेन ज़ी मूवी है। रिलेशनशिप नहीं है मतलब दोस्ती सबसे बड़ी होती है। लास्ट में था ना वो डांस वाला। Yo, my dad's amazing. We were screaming Rohit because we were so excited to meet him. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, और देखते रहिए और enjoy करते रहिए। Hello, hello. Bazooka, let me know review. Hello. भाई एक मिनट रुक जाओ, खाली एक विजुअल तो ले दो। भाई एक साथ एक बार फिर से बहुत अच्छी लगी, बहुत रिलेटेबल है, बहुत जेन ज़ी आज के ज़माने में कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स जैसी है, इट वाज वेरी फन टू वॉच। ज़्यादा अच्छा क्या लगा, बेस्ट सीन कौन सा था? बेस्ट सीन जब वो रोहित एंड देन सानिया लाइक गॉट टुगेदर अगेन इन द एंड, सो वो बेस्ट सीन था। एक्टिंग सबसे बढ़िया किसकी? ऑब्वियसली रोहित की। इमरान ने अच्छा लग रहा है भाई। नो बट आई पर्सनली वी आर बायस्ड बिकॉज़ वी आर यू नो वी आर ह्यूज फैन ऑफ रोहित सराफ एंड एज यू सेड दैट पहले शाहिद कपूर एंड देन Rohit Saraf, they did totally. Rohit Saraf did the whole justice to the role which Shahid Kapoor played in them in his movie. So I really loved. Milkar bhi aa rahe ho? Oh yes, totally. We were like a huge. We were screaming Rohit because we were so excited to meet him. It was an amazing experience. We best loved. Scene aapke liye kya tha? Jab the movie started and the first screen, yeah, to matlab play start hote hi jab Rohit ka aaya tha, that was the बेस्ट फॉर मी। कितना स्टार दोगे आप 5 में से? आई थिंक 4.5। आई 4.2 ओनली बिकॉज ऑफ रोहित सराफ। फिल्म देख के आ रहे हो खुद रोहित और ज़िब्रान, नायला सबसे मिलकर आ रहे हो, क्या फीलिंग है इस वक्त? बेस्ट फीलिंग, बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। फिल्म वॉज टू गुड एंड प्लस रोहित को सामने से देखा तो लाइक आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड फिल्म वॉज टोटली वर्थ इट। अच्छा लगा बहुत। आपको कैसी लगी मूवी? सीरियसली बहुत ही अमेजिंग थी। मुझे रोहित सराफ का डांस बहुत अच्छा लगा और जो केमिस्ट्री है मुझे सबसे अच्छी वो लगी। स्टोरी लाइन वॉज टू ऑसम एंड आई विश दैट दिस मूवी विल बैंग ओवर द सिनेमास एंड बेस्ट ऑफ लक टू द रोहित सराफ एंड पश्मीना ऑल्सो एज माई फेवरेट एक्ट्रेस टू। आज के ज़माने की मूवी
या आज के ज़माने की है, मतलब लव स्टोरी वो जो कॉम्प्लेक्स है अच्छा लगा। जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं वैसे हम लोग ने सिनेमा में देखा और उसका सॉर्ट आउट तरीका भी देखा कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है सबको। सो स्टार्टेबल हाँ स्टार दोगे पास? आई विल गिव 8 out of 10 5 out of 4 बेस्ट सीन क्या? बेस्ट सीन वो लास्ट में कॉम्प्लेक्स होता है जब वो उसको मिलने जाते हैं और साथ में उसको रिया का भी वॉइस नोट सेंड होता है, तो वो थोड़ा चेंजिंग क्लाइमेक्स सीन लगा मुझे, अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको, लगता है और भी लोगों को देखने? हाँ ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे सबसे बेस्ट सीन लगा डांस का, म्यूजिक वॉज टू ऑल्सो, मज़ा आ गया देख के, जैसे एकदम फुल एनर्जेटिक फील हो गया। एंड सीरियसली पश्मीना ने बहुत अच्छा रोल किया है जैसे सानिया का, और ओवरऑल बेस्ट मूवी है। 4.5। सो पश्मीना रोशन ने बहुत अच्छा काम किया, इवन रोहित सराफ, नायला अग्रवाल एंड जिब्रान खानू ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ये मूवी बहुत जेंजी मूवी है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज की जनरेशन में मूवी, वो ऐसी मूवी है, बहुत चिल माइंडेड है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है मूवी, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। सो हाँ बहुत अच्छी मूवी है। बेस्ट सीन क्या था, क्या बहुत अच्छा लगा? रोहित की एक्टिंग, रोहित सराफ की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, फिर बाद में पश्मीना रोशन का एक्टिंग बहुत अच्छा था, नायला अग्रवाल का वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ पे उसको वॉइस नोट मिलता है, मतलब केमिस्ट्री बिटवीन रोहित सराफ एंड नायला अग्रवाल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मोर देन पश्मीना रोशन एंड रोहित सराफ। शाहिद की फिल्म देखी थी पुरानी वाली? इश्क विश तो 2013 में आई थी आई गेस, तो पहले 12। सो ये बहुत पुरानी मूवी है, पुरानी मूवी है ना, उस मूवी में तो भाई मतलब वो तो एपिक मूवी था, सब लोग ने इश्क विश देखा है। सो फिर हाँ बट ऑब्वियसली द इश्क विश ओरिजिनल इश्क विश इज वे मोर बेटर, बट दिस इज द न्यू जनरेशन स्टोरी, न्यू स्टोरी न्यू जनरेशन, सो या इट्स वेरी गुड। लास्ट में मैं पूछूंगी कितने स्टार दोगे फिल्म? अकॉर्डिंग टू द मूवी 5। सर देखकर आ रहे हैं फिल्म, कैसी लगी आप? बहुत अच्छी एकदम, न्यू जनरेशन के लिए है और अच्छी है एकदम। पहले वाली फिल्म इश्क विश देखी थी आपने शायद? हाँ शायद कपूर वाली। अगर मैं कंपेयर करूँ तो बेस्ट कौन सी थी? बेस्ट तो अभी ये न्यू जनरेशन की है ना, वो भी अच्छी थी, शायद का जो काम था वो अच्छा था, और ये भी बेस्ट है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है फिल्म? सबसे ज़्यादा मतलब एक रिलेशनशिप नहीं है, मतलब दोस्ती सबसे बड़ी होती है, ये इससे दिखाया, अच्छा दिखाया। मिलकर आ रहे हैं आप? हाँ सबसे। क्या फीलिंग है? अच्छा एकदम, हाँ गुड बॉयज एकदम, सब बच्चे जैसे अपने, तो वो गुड बॉयज लाइक। अच्छा बेस्ट सीन था कोई आपका फेवरेट सीन? हाँ वही के यार तुमने दोस्ती की 12 बजा दी, ये इसी चक्कर में अपने दोस्ती की 12 बजा दी, ये डायलॉग अच्छा लगा। आपकी बजी है सर? नो नहीं नहीं, और बजनी भी नहीं चाहिए, किसी की नहीं बजनी चाहिए। लास्टली सर कितने स्टार देंगे आप? 5। कैसी लगी फिल्म? बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड इट्स वॉज लाइक मैं तो स्पीचलेस हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रोहित शाह, एंड इफ नो आई डोंट बिलीव दैट आई मेट हिम, एंड लाइक इवन यू नो आई एम लिटरली मैं कांप रही हूँ अभी, एंड आई एम लिटरली स्पीचलेस। मूवी बोलूँ तो मूवी बेस्ट, और फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ये जनरेशन में ये सब ये चलता रहता है एंड ऑल, और इससे रियल बेस्ड स्टोरी किया। एंड देन मेरे को एक सीन अच्छा लगा उसका, मैं ये बोलूँगी तो रोहित सरफर जब उसको पूरा जब उसको मारते क्लब में, तो वो टाइम कैसा वो यू नो फर्स्ट एड हो जाता है, क्योंकि वो एक बोलूँ एक पार्ट तो मैं सिचुएशन कर सकती हूँ के लिए, क्योंकि वैसा पार्ट मेरा है मेरे दोस्तों के साथ कि मतलब मैं एक टाइम के लिए ये हो जाती हूँ, फर्स्ट एड हो जाती हूँ, ये भी मेरे को ब्लेम कर रहे, इधर से ये भी कर रहे, मतलब क्या चल क्या रहा है। तो यू नो और दूसरी बात ये जनरेशन में फ्रेंडशिप यू नो ऐसा लाइक समझ सकते हो बेनिफिट्स लोग ज़्यादा रहते हैं, बहुत कुछ सिखा जाती है आजकल की जनरेशन। हाँ ये तो बहुत है कि मतलब अच्छा बना उसने फिल्म, बहुत ऑसम, एंड ये फ्लॉ मतलब मेड लाइक बेस्ट बेस्ट मूवी। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा? आप गाने की मैं बात करूँ, कौन सा गाना आपका फेवरेट हो गया है? जो लास्ट में था ना वो डांस वाला, यो वाई दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, वाओ रियली नाइस। रोहित से मिला तो आप लोग कुछ कहे उनसे? हाँ मैंने तो बोला आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, जस्ट लाइक मैंने अभी फोटो भी लिया उनसे पूरा जब गेट की तरफ जा रहे थे, देन मैंने बोला गया आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, एंड ऑल द इंटरव्यूज ऑल द वीडियोज ऑफ योर पोस्ट एंड ऑल आई वॉच रिसेंटली, एंड इवन नॉट रिसेंटली आई जब भी उनका न्यू मूवीज आता है तो कैसे यूट्यूब में इंटरव्यूज हो जाते हैं उनके, तो वो टाइम मैं सब वीडियोज देखती हूँ, इवन कुछ भी रहो कुछ भी रहो, एक घंटा रहो दो घंटा रहो, नो आई विल टाइम फॉर हिम, आई लव हिम सो मच। ऐसा सिचुएशनशिप हुआ आपके साथ? ना मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई, सिंगल या सिंगल सिंगल ही रहना है भाई, सिंगल ही आगे जाके पहले देखना, पहले जब करियर बनाओ फिर रिलेशनशिप। कितने स्टार देंगे आप इस मूवी को? 4.5। फैन से आप अभी मिलके आ रहे हो, कैसा रिएक्शन था? अरे बहुत अच्छा रिएक्शन था, इतना प्यार दिया है लोगों ने, एंड आई थिंक ये मैं पहली बार लाइफ में किया हूँ जहाँ मैं गया हूँ थिएटर में,
और लोगों ने इतना प्यार दिया है हमको, मतलब थोड़ा नोचे ओचे भी है लेकिन मज़ा आया है। एंड आई होप हमारी जनता को ये फिल्म पसंद आए, क्योंकि फ़िलहाल तो लग रहा है पसंद आ रही है। तो ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जाइए सिनेमाघरों में। 21 जून आज रिलीज़ हुई है हमारी फिल्म, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बचपन से ही आपको वो प्यार मिला, अभी से नहीं, बचपन से आप वो प्यार पाते हो। जब आपको ये प्यार मिलता है, अभी हमने आपको देखा और हमें सुन भी रही, मैं रिव्यू लेकर आ रही हूँ आपकी फिल्म का, लोग यही कह रहे हैं यार, मतलब फिल्म पे काफी, फिल्म पे नहीं इतना फायदा है लेकिन लोग आप पर फायदा है। बस बस थैंक यू सो मच गाइज, यही प्यार देते रहिए, आगे और भी काम करना है लाइफ में, बट फिलहाल इश्क विश्क रीबाउंड को प्यार दीजिए, बहुत प्यार से बनाया है, एंड आई होप हम आपको एंटरटेन कर सके, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो, थैंक यू सो मच, बाय।